हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे शाम के 4 और अभी हमारा स्लॉट है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाने का। तो अभी चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। यही व्लॉग मेन है क्योंकि हम ये स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए तो इधर आए थे। तो अभी चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अभी पहले तो बस में जाना पड़ेगा यहाँ से, तो पहले बस में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टेशन पे। तो अभी हम चलते आगे बस स्टेशन से। अभी पास में ही है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो अभी चलते हैं अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। सो यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, पहले चेकिंग होगा। सो गाइस, यहाँ पे चेकिंग हो चुका है, अभी हम अंदर चल रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग नाउ। कैसा लग रहा भाई आपको? अभी चलते आगे यहाँ से। अभी वो मॉल में जो लिफ्ट होते हैं ना, ऐसे लिफ्ट जाएगी आगे, हम उसमें ही जाएंगे क्योंकि चल के तो बहुत दूर है ये हमारा। तो चल के तो अभी हम नहीं जा सकते, इसीलिए अभी इसमें जाएंगे। हमारे सब बंदे आ चुके हैं, चेकिंग वेकिंग हो चुका है सब भी। मोबाइल की यहाँ पे एंट्री पे अंदर जाते ही पहले तो बढ़िया से फाउंटेन आपको देखने को मिलता है, और इस तरफ से सहायता केंद्र, और यहाँ पे आपको जो भी पूछपरछ करना हो आप कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोगो जैसे मिलते हैं भाई। अभी हम चलते आगे, जन सुविधा भी इस तरफ भी आपको दी गई है, इसका फायदा आप ले सकते हो आराम से। तो अभी हम चलते हैं, पहले लाइन में रहते हैं। ये है जेंट्स की लाइन और ये है लेडीज ना, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे जेंट्स लेडीज जैसा। जनरली है भाई, सब एक समान, लड़का लड़की एक समान। जनरली है भाई, सब एक समान, लड़का लड़की एक समान। यहाँ है जन सुविधा टॉयलेट से, आपको यूज करने हो तो आप कर सकते हो आराम से। इस बार जेंट्स है, इस बार लेडीज है। जेंट्स है, इस बार लेडीज है। अच्छा, अंदर जाते हैं, पहला लोकेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, इधर से जाना हो तो पैदल है और उधर लिफ्ट है, यहाँ से जाना हो तो आप लिफ्ट में भी जा सकते हैं। तो हम तो लिफ्ट में ही जाएंगे आई थिंक। ये हमारा बंदा है, वो यहाँ से देखिए अपना बूट साफ कर रहा है। कितना तेजस्वी लोग है हमारे गुजरात में, देखिए वो भी यही कर रहा है, देखिए। तो गाइस, अभी हम सबसे पहले ऊपर जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पेड़ के पास। रोमायान बन शान है उसके पेड़ छू गया है, अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल का पांव छूने वाले। तो अभी गाइस, अभी चलते हैं हम ऊपर, पहले तो ऊपर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पे गए, तो देखिए उधर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितनी बड़ी उतनी प्रतिमा है, उतनी ही बड़ी उनकी प्रतिभा भी है। पाटीदार के आन बान और शान एक ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर छूते हैं, चलो ऊपर। इतनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी प्रतिमा है, इधर से हम लोग देख भी नहीं सकते। एक आदमी इधर खड़ा रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंगूठे जितना ही होगा सिर्फ। दोस्तों, हमारा देश जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था, तब भारत में करीबन 562 जितने रजवाड़े थे। इस अकेले आदमी ने सभी के सभी रजवाड़ों को इकट्ठा किया और अखंड शिल्प भारत बनाया। तो धन्यवाद देना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एसी है गाइस, बहुत ठंडक में लिया के मजा ऐसा लगता है, जन्नत में आ गए, जन्नत अंदर आ चुके। अभी हम यहाँ से हम देखते क्या क्या होता है। पहले तो सरदार पटेल का चेहरा देखने को मिलता है यहाँ पे सबसे पहले, देख सकते हैं गाइस।
यहाँ पे सरदार पटेल का वो ओरिजिनल फोटो और वो सब भी है, वो सब कुछ है। तो पहले हम ऊपर जाएंगे, फिर ये सब कुछ म्यूजियम है, ये फिर म्यूजियम देखेंगे हम। सो गाइस, यहाँ से पहले लिफ्ट की एंट्री है, इसमें आपको 380 वाली टिकट में आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, और 1000 वाली टिकट लोगे तो आपको पहले से जाने को मिलेगा, लेकिन हमने तो 380 वाली टिकट ली तो हम लाइन में खड़े रहेंगे थोड़ी देर। और यहाँ से आपको जा सकते हैं, दो लिफ्ट है आई थिंक, मेरे ख्याल से दो लिफ्ट है यहाँ पे, तीन लिफ्ट है वो, अभी देखते हैं कितनी देर में ऊपर पहुँचा देते हैं। और यहाँ पे ठंडक बहुत है और हमारी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है भाई, ये बंदा भी अभी हम लिफ्ट में एंटर होने जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है लिफ्ट में। अभी चलते हैं लिफ्ट में अंदर, पहले चलते हैं लिफ्ट में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं व्यू गैलरी में, अभी पहले तो नीचे ब्लू ब्लू लाइट जल रही है, वो भी अप्रतिम है, कूल ऐसी एंट्रल ऐसी है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ का जो इंटीरियर डिजाइन है वो तो बहुत ही बढ़िया है, और अभी हमको दिखाते हैं आपको अंदर व्यू गैलरी में क्या क्या है क्या नहीं। गाइस, पूरा सरदार सरोवर का व्यू पूरे पूरा आपको देखने को मिलता है यहाँ के, सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेस्ट है, तो पूरा पर्वत और वो सब कुछ, और नर्मदा जो बीच से बह रही है, वो सब कुछ अपने को यहाँ पे आके आपको देखने को मिलता है, और अप्रतिम दृश्य है। मेरे ख्याल से आपको 380 रुपये वाली टिकट ही खरीदनी चाहिए, क्या बोलते हो जय भाई आप? यस यस भाई, 380 वाली तो खरीदनी चाहिए, यहाँ का जो प्राकृतिक लुक है वो एकदम ही बहुत ही बढ़िया सर, एक बार आप देखोगे तभी आप यकीन करोगे। तो अभी हमारे पे लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए, hey guys, ये तो अभी सेल्फी ले रहे हैं, बंदा सेल्फी लेता है, जब से आया तब से बंदा ये सेल्फी ले रहा है। चल बेटा सेल्फी ले ले, और एक सेल्फी में तो आता ही नहीं, दो फोन आए तभी तो एक बंदा समझता है एक सेल्फी में, और एक सेल्फी में तो आता ही नहीं, दो फोन आए तभी तो एक बंदा समझता है एक सेल्फी में। प्लीज ये अच्छा दोस्त है, ठीक है चलो अभी आपको व्यू गैलरी दिखाते हैं। मीटर के हाइट पे खड़े, यानी 45 फ्लोर पे खड़े हैं, यहाँ से 15 फ्लोर और ऊपर है 47 मीटर जितना, लेकिन ये लास्ट फ्लोर है देखने के लिए, ये आगे का पोर्शन है वो पीछे का पोर्शन। तो अभी आप लोग जो लिफ्ट से आए होंगे ना, लिफ्ट इतनी फास्ट रखी गई है आपको पता नहीं चला होगा, 38 सेकंड के अंदर आप लोग, तो ये जाली वाला जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैकेट पहनाया है उसका पोर्शन है, और बीच में वो पोर्शन है बटन पट्टी का है, ये जैकेट की जो बटन पट्टी है ना, तो यहाँ से आपको बाहर का व्यू देखना है, स्टेचू की राइट साइड में सातपुरा की पर्वतमाला है और लेफ्ट साइड में विंध्याचल की पर्वतमाला, दो पर्वतमाला है, उसके बीच में ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के बीचों बीच यहाँ पे एक आइलैंड था साधु आइलैंड, वो आइलैंड को कटिंग करके लेवल किया, फिर 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फाउंडेशन लिया, फिर उसके ऊपर ये स्टेचू खड़ा किया है। तो यहाँ जो स्टेचू बनाने का जो रीजन है वो सामने है सरदार सरोवर डैम, तो डैम बनाने का जो आइडिया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, इसलिए उसकी आंखों के सामने ये हमेशा रहे, उस हिसाब से यहाँ स्टैचू बनाया गया है। तो इस स्टैचू का जो शिलान्यास किया था वो 31 अक्टूबर 2013 को किया था, फिर काम को एक साल के बाद स्टार्ट किया था, यानी 14 को काम स्टार्ट किया था और 31 अक्टूबर 2018 को कम्प्लीट हुआ था, यानी 3.5 साल में ये काम पूरा किया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 3.5 साल में बनाया गया।
तो ये पूरा स्टेचू बनाने के लिए लोहा कैंपेन भी चलाया था 2013 को, उसमें 169,000 गांव से लोहा आया था। जो लोहा आया था उसके साथ साथ मिट्टी भी आई थी, जो मिट्टी आई थी उसके नीचे दीवार बनाई है, जो 5 नंबर गेट है उसके सामने है, वॉल ऑफ यूनिटी, एकता की दीवार बनाई थी। और लोहा आया था उसको पिघला के सरिया बनाया गया था, जो सरिया जो बनाया गया था उसको नीचे बेज में यूज किया और 2 पिलर में यूज किया जो लिप चल रही उसमें। तो पहले 2 पिलर खड़े किए गए थे, दोनों पिलरों को यहाँ सोल्डर तक बना दिए, फिर उसके राउंड में पूरा स्ट्रक्चरल स्टील लगाया गया, 6000 मैट्रिक टन जितना स्ट्रक्चर स्टील है। वो लगने के बाद बाहर का आवरण है वो पूरा ब्रॉन्ज का है, वो जो कपड़े जो पहनाए गए वो ब्रॉन्ज का है, वो 4 मेटल से बनाया गया है। उसमें कॉपर ज़्यादा यूज किया है, 85% कॉपर यूज किया है और 5% टीन, लेड, जिंक, ऐसे 4 मेटल से बनाया गया। तो नीचे से ऊपर तक 6500 जितने पार्ट लगे हुए हैं, हर एक पार्ट पे येलो कलर की पट्टी लगा के उस पर नंबर लिखा है, यानी कि कभी भी वो पार्ट डैमेज हो जाए, खराब हो जाए तो उसको जल्दी से वो नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से अभी हम नीचे जा रहे हैं, फिर हम म्यूजियम में जाने वाले हैं, तो आप म्यूजियम भी दिखाएंगे। तो गाइस अभी म्यूजियम में एक थिएटर है पहले, तो उसमें जाते हैं, देखते हैं अभी अंदर, अभी तो कोई है ही नहीं। आप ti ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella. अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ ये सब इस डिस्प्ले में भी दिखाता हूँ कैसे हुआ। ये डिस्प्ले में साउंड भी बहुत अच्छा सा आता है और वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी सी है, अभी देख लो। देश भर से लोहा जमा हो चुकने के बाद अब तंत्रज्ञों अभियांत्रिकों को लोहा लेना था इस विशाल विराट बुद्ध के आकार प्रकार की बनावट बुनावट से। दुनिया भर के बेहतर से बेहतर इंजीनियर, सलाहकार, भूगर्भ शास्त्री, जल विशेषज्ञ जमा होकर इतनी बड़ी चुनौती को साकार रूप देने के बारे में चर्चा करने लगे। 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा, अब तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संरचना सुनिश्चित होते ही दुनिया भर की अभियांत्रिकी कंपनियों को मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और ये ग्लोबल टेंडर पहली बार केवल 6 महीनों के अंदर ही पूरा भी कर लिया गया और धीरे धीरे खड़ी होने लगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। तो गाइस अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद हो रहा है, 6 बजे तक भी बंद हो ही जाता है, तो अभी इस हिसाब से आना। तो अभी हम चलते बाहर, हमने पूरा घूम लिया है यहाँ पे। अभी यहाँ का रूल है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, 6 बजे यहाँ से सभी लाइट ऑफ ही कर देते हैं। ये देखे गाइस यहाँ पे क्रूज है, मरीन क्रूज, 600 रुपये पर पर्सन, 600 रुपये पर पर्सन है इसमें, एकता क्रूज है भाई, लेकिन इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं गए, हमने स्किप कर दिया इसको। चलो गाइस, सो गाइस अभी हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी तो देख लिया है, अभी लाइटिंग तो देखते हैं या नहीं वो अभी आगे जाके पता चलता है, क्योंकि वो स्लॉट बुक नहीं किया हमने अभी जगिया है कि नहीं वो अभी आगे जाके पता चलेगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो अभी हमने देख लिया है, अभी चलते आगे, लिफ्ट में फिर से जाना पड़ेगा हमको एंड तक, अभी चलते। Yeah.
डीजे।